कोरोना टेस्ट हो गया हम लोग का, अब रिपोर्ट के लिए रुके। और एक चीज़, जो भी कलकत्ता में रहते हैं या कभी कलकत्ता में ट्रैवल करते हैं और आपका फ्लाइट अगर डिले हो जाता है, हम लोग 8:20 का फ्लाइट था, वो तो कैंसिल हो गया है। वो उनने हमारा फ्लाइट 10:20 के फ्लाइट में ट्रांसफ़र किया। लेट्स सी वो भी होता है कि नहीं। बादल तो छाया हुआ है पूरा। कोरोना टेस्ट हो गया हम लोग का, अब रिपोर्ट के लिए रुके। मम्मी पापा का रूम है, मैं और भैया बगल वाले रूम में ही सोएंगे, जो कि यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। अभी मैंने बंद किया वीडियो के लिए। और ये होटल का व्यू है, व्यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही, और बहुत थक गया हूँ। पहले हम लोग का फ्लाइट 8:20 में था, जैसे मैंने पहले बोला था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, वो कैंसिल हो गया। तो दूसरा फ्लाइट जो 10:20 में था उसमें हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया। फिर उसके बाद हम लोग को करीब 3 घंटा वेट करना पड़ा कोलकाता एयरपोर्ट में। फिर यहाँ पे आए तो कोरोना टेस्ट हुआ, उसके लिए भी अलग टाइम लगा। फिर खाना खा के हम लोग डायरेक्ट होटल आए। अभी बहुत थक गए तो चेंज करके डायरेक्ट अभी सोने जा रहा हूँ। तो वो रूम टूर तो मैंने आपको दे दिया, होटल टूर और जो कल स्विमिंग पूल वगैरह और कामाख्या मंदिर जो यहाँ का बहुत फेमस है, वो आपका पूरा कल के व्लॉग में आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग YTV व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, बाय। और एक चीज़, जो भी कलकत्ता में रहते हैं या कभी कलकत्ता में ट्रैवल करते हैं और आपका फ्लाइट अगर डिले हो जाता है, तो गेट नंबर 25 के अपोजिट में फूड कोर्ट और गेट नंबर 25 के बीच में एक तो लॉन्च है जहाँ पे आप लोग लेट सकते हो। ये वीडियो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड वीडियो बन गया था मेरा, मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। तो यहाँ पे जाके आप लोग रेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग का फ्लाइट बहुत डिले हो गया 2-3 घंटा, तो आप लोग यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हो। तो एक टिप तो मैंने आपको दे दिया।